पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी ने थाने पर किया मधु मिशन की शुरुआत। स्थानीय कुड़वार थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी व जिलाधिकारी रविश गुप्ता द्वारा नई पहल करते हुए मिशन मधु की शुरुआत की गई है। बताते चले कि शनिवार को जिलाधिकारी रविश गुप्ता व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी द्वारा कुड़वार थाना परिसर में फीता काटकर शुभारंभ किया गया। शनिवार को जिलाधिकारी रविश गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी की संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया गया कि फर्स्ट फेज में जिले के कुड़वार और धम्मौर थाना में मधुमक्खी पालन के लिए 25-25 डिब्बे रखे गए। प्रोग्राम के उद्घाटन में मौके पर डीएम रवीश कुमार ने मीडिया को बताया कि आज हमारे एसपी साहब ने मिशन शक्ति और मधु मिशन की शुरुआत की है, जिसमें आमदनी करने वाले कुटीर कार्यक्रम किया जा सकता है। उसी के तर्ज पर जैसे उन्होंने बरमबंकी के चावा गाँव, जहाँ आपराधिक घटनाएं अधिक होती रही, परंतु वहाँ के लोगों में जागरूकता लाकर उसमें काफी सफलता प्राप्त की तथा एक स्वरोजगार की क्रांति का शुभारंभ किया, उसी तरह की शुरुआत कुड़वार थाने में आज की गई। नवागत एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि हमारे जिले के थानों पर जहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, बंदर नहीं आते, ग्रामीण क्षेत्र हैं, आसपास खेत हैं, ऐसे स्थानों पर मधुमक्खी के बॉक्स हमारे थाने पर प्रशिक्षित लोगों की देखरेख में रखे जाएंगे। इस मिशन मधु के अवसर पर उदय प्रकाश मिश्रा, अंकित गुप्ता, के तिवारी, नफीस, नितिन विश्वास, राकेश तिवारी, तेज बहादुर सिंह, प्रवीर श्रीवास्तव, उदय भान सिंह उर्फ डब्बू, विजय तिवारी, अखिलेश तिवारी, निसार अहमद समेत कई मीडिया कर्मी एवं समाधान दिवस के नाते क्षेत्र के फरियादी एवं कुड़वार थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे व सभी पुलिस कर्मी तथा संबंधित राजस्व कर्मी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम तक क्या था आज? ये मिशन शक्ति और मधु मिशन एक हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक नवाचार शुरू किया, जिसमें ये है कि जो स्थल होते हैं जहाँ पर किसी प्रकार का आमदनी करने वाला कुटीर कार्यक्रम प्रारंभ हो सकता है, उसी के तर्ज पर जैसा इन्होंने बारामंकी में किया था, एक चैनपुरवा गांव जहाँ पर एक एंडेमिक क्रिमिनैलिटी थी उसको समाप्त करके वहाँ पर स्वरोजगार की एक क्रांति लाई, उसी तर्ज पे आज कुड़वार थाने पे इन्होंने प्रारंभ किया है और डिटेल में यही बताते हैं। देखिए जनपद सुल्तानपुर में जनपद सुल्तानपुर में मधु मिशन आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जनपद के सभी थाने चौकियों का संरक्षण कराया जाएगा और जहाँ भी भूमि उपलब्ध है, बंदर नहीं आते हैं, आसपास खेत हैं, ऐसे स्थानों पर मधुमक्खी के डब्बे रखे जाएंगे सरकारी तौर पर। आज जनपद में 50 डब्बों से शुभारंभ जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा किया गया है। कुड़वार थाने में 25 डब्बे और धम्मौर में 25 डब्बे, धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा। मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा रोजगार का अवसर है। मैं आपके माध्यम से जनपद के सभी युवकों को, बेरोजगार लोगों को और ऐसे लोगों को जो पूरी पूंजी लगा सकते हैं, उनका आह्वान करता हूं कि वो मधुमक्खी पालन का कार्य करें। इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। मोटे तौर पर अगर कहें तो एक डब्बा 4,000 रुपये का आता है, 10 डब्बे की एक इकाई होती है। अगर कोई 10 डब्बे रखता है, यानी पहले वर्ष 40,000 रुपये का निवेश करता है, तो उसको एक सीजन में लगभग 1,00,000 रुपये का रिटर्न मिलता है और अगले वर्षों से ये 40,000 कीमत नहीं होती तो उसका जो रिटर्न है वो और अधिक बढ़ जाता है। इसको और अधिक विस्तार से इसकी ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है। सरकारी तौर पर भी इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने इसको जो वर्तमान कोविड समय चल रहा है उसको देखते हुए इसको और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार पर एक बड़ा पूल बनाया है। 35% की सब्सिडी के साथ इसको इस पर लोन दिया जा सकता है और स्वरोजगार से भी प्रेरित हुआ जा सकता है। मधु मिशन सुल्तानपुर के अंतर्गत हम इस व्यवसाय से या ये जो हमारी पहल है इससे जो धनराशि प्राप्त होगी इससे थाने चौकियों का रखरखाव और पुलिस के जो कर्मी हैं उनके कल्याण का कार्य किया जाएगा। थैंक यू सर।